एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहिरा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक इंसान, वो कैसे मैनेज कर रहा है या फिर क्या उसका थॉट प्रोसेस रह रहा है कि उसने एमवे को क्विट करके फॉरएवर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ऑलरेडी 2 साल एमवे में कर चुका था, बट स्टिल उन्होंने फॉरएवर में क्यों ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमवे अच्छी है कि फॉरएवर अच्छी है, हम इस तरह का कोई डिस्प्यूट वाला चीज़ें हम नहीं डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बट एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दिमाग में क्या चल रहा है उन्हीं की जुबानें सुनते हैं कि कैसे वो सोच रहे हैं, कि कैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि व्हाट इज एमवे फॉर हिम एंड व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फॉर हिम। सो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके सामने जो गेस्ट आ रहे हैं, अगर उनकी वीडियो आपको अच्छी लगी, उनका उनका थॉट प्रोसेस आपको अच्छा लगा, तो कहीं ना कहीं उनका चैनल का भी लिंक भी पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उनका चैनल का लिंक पे भी जाके एक बार चेकआउट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना उनके चैनल को, कि वो किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं ऑन यूट्यूब। सो ओवर टू यू प्रतीक, वेलकम टू आवर चैनल। या हाय शुभम, थैंक यू, हाय ऑल। सो हमारी जो जनता है ना, वो जानना चाहती है कि बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं कि एमवे वर्सेस फॉरएवर और वेस्टिज वर्सेस फॉरएवर, तो ऐसी बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। सो हम यहाँ पे डिबेट तो नहीं करने वाले हैं, और ना हम किसी को अच्छा कहने वाले हैं, ना किसी को बुरा कहने वाले हैं, बट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके पीछे का थॉट प्रोसेस रहता है, क्या माइंडसेट रहता है कि एमवे जैसी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी को छोड़ के आपने फॉरएवर जैसी और अच्छी कंपनी को आपने ज्वाइन किया। एग्जैक्टली, तो शुभम हम जानते हैं कि मतलब इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो होती है लॉन्च होती है, है ना। हर महीने में आप देखोगे काउंट ऑफ कंपनीज दे आर गेटिंग लॉन्च, वो बढ़ते रहता है, राइट। तो जितना मैंने रिसर्च किया है उतना देखा है कि बस वर्ल्ड में जो है ना, बस 2-3 ही ऐसी कंपनी है जो मतलब टॉप पे है, एंड दे आर डूइंग बिजनेस एथिकली, प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं वो, ओके। तो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो कर रही है, स्टैंडर्ड कंपनी पर 2-3 ही है, उसमें नाम आता है एमवे का, एंड जो सेकंड नाम आता है वो है फॉरएवर लिविंग का, राइट। तो ये दोनों कंपनी में मतलब मैं एसोसिएट हो चुका हूँ, तो मुझे दोनों कंपनी का एक्सपीरियंस है अभी, ओके। तो जैसे आप सब जानते हो कि मैंने एमवे ऑलमोस्ट 3 साल किया है, एंड मैंने फॉरएवर में ऑलमोस्ट मैं 3-4 महीने से हूँ फॉरएवर में, ओके। तो मेरे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मुझे मतलब लगा कि अभी मतलब एमवे को थोड़ा बाय करना चाहिए और फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए, ओके। तो उसका रीज़न जो था, तो मैं कुछ शेयर करूँगा आज आपसे। सबसे पहले रीज़न ये था कि जो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है एमवे में, ओके, जो कमीशन मिलता है एमवे में, वो कंपनी ने कम कर दिया था, ओके। तो मतलब कंपनी चेंज करते रहती है वैसे, लेकिन बहुत बार देखा कि कंपनी ने जो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 10-15% था, अभी बस 2-5% कर दिया है। तो स्टार्टिंग लेवल में ग्रो करना बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया है कंपनी ने। कंपनी में लेवल्स कैसे होते हैं कि 3%, 6%, 9%, 12% ऐसे लेवल होते हैं अलग अलग, राइट, एमवे में। तो ये जो इंसेंटिव है कंपनी ने कम कर दिया है, ओके। और वही मैं अगर कंपेयर करता हूँ फॉरएवर लिविंग में, तो फॉरएवर लिविंग में ज्वाइन करने के बाद आप जब प्रीफर्ड कस्टमर होते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको मिलता है 25%। अगर कोई आपके टीम में ज्वाइन करता है तो 25% से ही आप स्टार्ट करते हो, तो ये जो मार्जिन है वो ह्यूज है, ओके। और आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो टू डू बिजनेस, टू अर्न मनी, राइट। प्रोडक्ट दोनों के अच्छे है, प्रोडक्ट में तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि इसके अच्छे है उसके अच्छे, प्रोडक्ट तो दोनों के ही बेस्ट क्वालिटी के है, मैंने खुद यूज किया है, पर्सनली यूज किया है, ओके। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मैं दे सकता हूँ, प्रोडक्ट तो बेस्ट है, लेकिन अगर अर्निंग नहीं होगा, आप इतना इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन अर्निंग ही नहीं हो रहा है, तो देर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड, राइट। तो इसलिए मतलब मैं डिसीजन लेना पड़ा ये। एंड सेकंड है कि ये मतलब बहुत लोगों से मेरी बात हुई थी, तो स्टैटिस्टिक जो है मैंने भी खुद रिसर्च किया, तो मुझे नजर आया कि किसी ने मुझे पूछा कि एमवे लोग कब छोड़ते हैं यूजुअली, तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि मुझे लगा कि ठीक है मतलब स्टार्टिंग लेवल पे कोई अर्न नहीं कर रहा होगा 6-8 महीना 1-2 साल तो छोड़ दिया होगा, राइट। बहुत लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन आपको ये जान के बहुत मतलब आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग एमवे छोड़ते हैं आफ्टर बिकमिंग प्लैटिनम, यस, प्लैटिनम लेवल, जहाँ का मतलब अर्निंग ही मतलब 80,000-1,00,000 हो सकता है पर मंथ का, वो लेवल पे लोग छोड़ते हैं एमवे। तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, तो मैंने रिसर्च किया, समझ में आया कि प्लैटिनम बनने के बाद लोगों को दिखता है कि एवरी मंथ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप सोचिए, आप January 1 से लेकर January 31 तक आप अगर बिजनेस कर रहे हो और कोई लेवल आपने अचीव किया है, मे बी 9%, 12% या 18% या इवन प्लैटिनम, लेकिन February 1 को आपका लेवल फिर से हो गया जीरो, देन अगेन यू टू डिपेंड ऑन योर टीम कि आपकी टीम प्रोडक्ट खरीदेगी और आपको वो लेवल पे लेके जाएगी। तो हर महीने आपका बिजनेस स्टार्ट होगा जीरो से, एंड देन वो महीने के एंड तक आपका बिजनेस खींचना है, एंड उतना ही आपका अर्निंग होगा, और उसके ऊपर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने, और वो तो कंपनी ने कर ही जाता है इंसेंटिव कम करना, राइट। तो ये भी मतलब ये पॉइंट था मेरे लिए। एंड सेकंड, वही अगर मैं कंपेयर करूँ फॉरएवर से, तो जब मैंने ज्वाइन किया एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, 25% मुझे डिस्काउंट मिलता ही था, तो वो मुझे मिलता था लाइफ टाइम के लिए। सेकंड मंथ में मैं बन गया असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मुझे 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है ऑन एवरी प्रोडक्ट्स, और 30% मुझे कमीशन मिलता है और कोई ज्वाइन करता है मेरे टीम में तो, राइट। तो ये मुझे मिलता रहेगा लाइफ टाइम,
जब तक मैं मेरा लेवल अपग्रेड ना करूँ। अगर नेक्स्ट लेवल मेरा सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर बनने के बाद मुझे डायरेक्ट मिलेगा 30%, 38% कमीशन, 30% डिस्काउंट और 8% एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो ये मुझे मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो ये देखो ये ह्यूज डिफरेंस है ना। वहाँ पे एक बार लेवल अचीव कर लिया तो वो लेवल आपका होगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन वही एमबे में देखा मैंने कि एवरी मंथ यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो, और मतलब जीरो लेवल पे ही बहुत लोग मतलब वो लेवल पे रहते हैं एंड देन दे हैव टू लीव द बिजनेस। ओके, वो एक पॉइंट था। तो ये मतलब मेजर पॉइंट्स है जिसके लिए मतलब मुझे लगा कि ठीक है अभी एमबे को क्विट करके फॉरएवर स्टार्ट करना चाहिए, राइट। एंड सेकंड था तो बैकएंड सिस्टम जो था वो मतलब वो टीम का प्रॉपर इतना मुझे स्ट्रांग लगा नहीं था। तो इसलिए मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स में जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस बिल्ड कर रही है एकदम बेस्ट तरीके से, तो वो मुझे अच्छा लगा। और उसी लिए मतलब मैंने सोचा कि चलो फॉरएवर ही मतलब बिल्ड करते हैं। जो रिजल्ट मुझे 3 साल में एमबे में नहीं आया वो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3-3.5 महीने में फॉरएवर में मुझे जरूर आया है। यस, तो ये मतलब ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे भी आपका एक पॉइंट तो बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कभी एमबे नहीं बिल्ड कर पाता क्योंकि रिकरेंट मंथ में आपको परचेजिंग करनी होगी, है ना। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे तो एएस लेवल पे आ गए, मान के चलते 2 महीने बिजनेस नहीं चला तो आप फिर भी एएस लेवल पे हो, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 1 महीने भी काम नहीं किया तो आपका डिमोशन हो जाता है। तो डिमोशन मतलब नाम की तो फॉरएवर में तो कोई चीज ही नहीं है। आप एक बार मैनेजर बनने के बाद भी अगर 1 साल आपने काम नहीं किया ना, फिर भी आप मैनेजर ही बने रहोगे। जो आपको प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, जो कमीशन मार्जिन आ रहे हैं, जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, वो एक्चुअल रहेगा थ्रू आउट लाइफ। तो ये जब चीज मैंने किसी एमबे वाले से सुनी थी, आई वाज शॉक्ड, मैं अपने आपको लकी फील कर रहा था कि चलो मैं एमबे में नहीं गया, मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी। और दूसरी चीज आप बोल रहे हो कि देखो मेहनत तो सब जगह है ना, मेहनत तो सब जगह है। तो मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिले, पैसा कम मिले, तो फिर तब भी मजा नहीं है। मैं वेस्टेज क्यों ज्वाइन नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो डाउट वेस्टेज कंपनी बहुत अच्छी होगी, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, बट अच्छी होगी जब हर कोई इतना कर रहा है, बट मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ कभी। ये मुझे बताया यार, चाहे आप 50 रुपये का माल बेचो, 50,000 का माल बेचो, है ना, एफर्ट उतना ही लगना है आपको। और उसमें भी अगर आपको कमीशन नहीं आए ना, फिर तो फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने के बाद। तो क्यों ना मारुति सुजुकी क्यों बेचें, तो ऑडी बेच दें फिर, क्योंकि उसमें कमीशन तो ज्यादा आएगा। तो ये चीज जैसे आप बता रहे हो कि एफर्ट तो फॉरएवर जितना ही है, बट उसमें आप बोल रहे हो 5%, 3%, 10%, और फॉरएवर अपने पहले पहले जो लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर उसको 25% दे रही है। सोचिए 1,000 रुपये का माल बेच के आपको 250 रुपये मिल रहे हैं, वहां तो वेस्टेज में 250 रुपये कमाने के लिए जान निकल जाए। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आए होंगे, अरे ज्ञान तो तुम दे रहे हो लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है ऑडी बेचना, लेकिन खरीदने वाले तो है ना। आपकी गलती है कि आप उन लोग अपने टारगेट ऑडियंस आपने ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं जो ऑडी के बारे में सोच भी नहीं। क्यों छोटे टपके के लोगों के साथ आप बात कर रहे हो? अपने कम्युनिटी बढ़ाइए, अपने स्किल्स बढ़ाइए, आप अपने कुछ फाइन वर्ड्स ऐसे रखिए, आप अपनी कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करिए सो दैट अच्छे गुड क्वालिटी लोग आपको अप्रोच करें खुद से। जैसे हमारी टीम क्रिएटर्स में होता है, हमारी टीम में क्या होता है, हम किसी को अप्रोच थोड़ी करते हैं, इवन गुड क्वालिटी लोग खुद हमें अप्रोच करते हैं कि यार चलो यार आपके साथ काम करते हैं। तो वो कैसे होता है जब आप एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर लेते हो? तो कंपनीज तो सारी अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है किस कम्युनिटी में आप बिल्ड कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, आपके जो लोग हैं वो क्या माइंडसेट है, क्या आप उनका जो माइंडसेट है, या फिर वो यही करते रहते हैं बस के अरे वेस्टीज वाला, वेस्टीज की वो बढ़िया टीम काम कर रही है, फॉर एवर की वो टीम बढ़िया काम कर रही है, या फिर दूसरे लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग यार छोड़ते हैं और लोग क्या कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, फोकस करते हैं कि हम इस चीज़ को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को कैसे ऑटोमेट किया जाए, कैसे वेबिनार टूल्स पे हम खर्चा करके अपना एक डिजिटल अवतार बनाएं। अगर इस टाइप के सोच रहे हो आप, अगर आपका अपलायंस सोचेगा और आपके कम्युनिटी मेंबर सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी सोचोगे। मान के चले आज अगर हम यूट्यूब की बात ना करें तो क्या हमारी टीम में कोई यूट्यूबर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। अगर हम कहते हैं कि आज हमारा कोई डिजिटल अवतार होना चाहिए, अगर हम ही बात नहीं करेंगे तो क्या हमारी टीम में कोई बात करेगा? कभी नहीं करेगा। वो उसी चीज में लगे रहेंगे, हाँ जी 5 बजे सेशन है जी, लगे रहो, इनवाइट कर रहे हैं, 50 फोन कर दिए, उसमें 5 लोग बैठे आके और उन्होंने 5 बजे भी मना कर दिया बाद में, फिर कितना फ्रस्ट्रेटिंग काम हो जाए। सोचिए कि इंसान पूरा, पहले बात तो लीड्स खरीदने के लिए पैसे लगा रहा है, हर महीने 5-6 हज़ार रुपये लीड्स पे लगा रहा है, उसके बाद भी वो लीड्स उसको नहीं आ रही, चलो लीड्स आ भी गई तो वो क्लोज नहीं हो रही, फिर और खुद की पर्सनल ब्रांडिंग जीरो, क्या फायदा फिर ऐसा काम करने। तो ये पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे बताए जिससे मैं भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ कि चलो अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट ही करी है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अच्छी टीम के, अच्छी कंपनी के साथ एक अच्छी टीम मेरे को मिल गई। क्योंकि टीएलएफ में आने से पहले मुझे भी 2-3 टीम ने छेड़ा था, मुझे समझ में आया था, लेकिन वो ब्रेन वॉश वाली चीजें होती हैं, उन्होंने क्या दिखाया मेरे को, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जॉब बेकार है जब उन्होंने वो सेशंस दिखाए अपने। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मेंटोर के साथ काम करना इज वेरी गुड इन दिस बिजनेस, और बिना मेंटोर के बिजनेस नहीं चलता, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। तो हमारा जो मेंटोर है वो भी जबरदस्त होने चाहिए और फ्यूचर का विजन होना चाहिए उनका,
तभी ये चल पाता है, तो इसलिए हम भी काम कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। आई होप आपको भी, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको भी काफी समझ में आया होगा कि हाउ इंजीनियर्स आर यू नो मेकिंग डिसीजंस फॉर देयर लाइफ, की वो उनको एमवे चूज करनी चाहिए, वैसे चूज करनी चाहिए, फॉर एवर चूज करनी चाहिए। चॉइस बिल्कुल आपकी है। हमने तो सिर्फ अपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इनको क्या लगा, मेरे को क्या लगा, बाकी आपको जो लगता है आप वो डेफिनेटली करिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।